चैनल पे। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकाले गए रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट है ये ATC ब्रांच के अंदर निकाली गई है, जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट है। इसके अंदर टोटल पोस्ट 400 रखी गई है। तो बच्चों आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, इसकी क्वालिफिकेशन की, इसके जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी। साथ ही एक चीज़ बता दें कि इसके अंदर एक बॉन्ड रखा गया है, वो कितने रुपए का बॉन्ड रखा गया है उसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन डेट की। तो इसके जो फॉर्म है वो आपके 15 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे 14 जुलाई की रखी गई है। एज लिमिट, मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है नीचे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग है। जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 साल की रखी गई है। फीस जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपये और ST SC और फीमेल्स के लिए 81 रुपीज़ है। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ATC की ब्रांच के अंदर जो रिक्रूटमेंट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मतलब कि BSc आपने कर रखा हो, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, प्लस 60% मार्क्स आने चाहिए, ठीक। या फिर सेकंड, तो यहाँ पे आपने BE BTech कर रखी है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आपके 60% आए हों, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये और एक चीज़ और, इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्लस जो मिनिमम एज मैंने बात करी थी, अगर आपने जैसे ही BSc की डिग्री कंप्लीट कर ली है, ठीक, तो आप उसके बाद एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, फ्रेशर कैन अप्लाई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, फिर आपका साइकोएक्टिव सब्सटेंस, ये वाले चीज़ें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रखी गई हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पे आपके दो सेक्शन में एग्ज़ाम होंगे। पहला आपका पार्ट ए आएगा, ठीक है, पेपर में, और सेकेंड आपका पार्ट यहाँ पे पार्ट बी रहने वाला है। पार्ट ए के अंदर आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे, वो इंग्लिश के रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल एप्टीट्यूड से आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। GK और अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आने वाले हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट बी होगा, दोनों सेम डे होगा, एक ही पेपर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मैथ सेक्शन में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। पूरा पेपर आपका 120 का होगा, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम की बात करें तो 120 आपके टाइम रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं रखी गई है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब बात करें जॉब लोकेशन की, तो जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाएंगे उनको इंडिया में कहीं पे भी जॉब मिल सकती है, वो आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में बताया जाएगा। बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं बॉन्ड रखा गया है, जो कि 7 लाख रुपीज़ का है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ का बॉन्ड साइन करना होगा, ठीक। ये जो बॉन्ड होगा ये आपको ट्रेनिंग के टाइम पे देना होगा। ये बॉन्ड 3 साल तक के लिए रहेगा, ठीक है। 3 साल कंप्लीशन के बाद आपको ये बॉन्ड आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे जो पे स्केल होगा 40,000 से लेके 1,40,000 रुपीज़ का पे स्केल रहने वाला है, ठीक। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट की। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको जॉब इन्फॉर्मेशन प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस पेपर जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं आंसर कीज के साथ, वो हम उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे भी हम प्रीवियस पेपर अपलोड करते रहते हैं, आप एक बार विजिट करके खुद चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन के, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, ठीक है, इस वैकेंसी रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चे ज़रूर पूछिए। एंड कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।